नादिर पाकिस्तान के ओलंपिक में शानदार एंट्री। पाकिस्तान की टीम मुश्तमिल 7 प्लेयर पे, ये 7 प्लेयर अलग अलग गेम में हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान का नाम मशहूर करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि 7 प्लेयर कौन कौन सी गेम में हिस्सा लेंगे और इनके मुकाबले कब होंगे। पहले नंबर पर है अरशद नदीम। नादिर अरशद नदीम किसी तारफ के मोहताज नहीं है, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत से मेडल जीत कर ला चुके हैं। नादिर ये हिस्सा लेंगे जेवलिन थ्रो में। अगर आप लोग जेवलिन थ्रो के बारे में नहीं जानते, एक लोहे का राड होता है जो हाथ में पकड़कर पीछे से लाकर फेंकना होता है, जिसका राड ज्यादा दूर तक जाता है वो ये गेम जीत जाता है। नादिर का मुकाबला होगा 6 अगस्त को और 8 अगस्त को नादिर फिर आती है जनारा नबी, जिनका तलब पाकिस्तान कराची से है। नादिर हिस्सा लेगी स्विंगिंग में 200 मीटर की, फ्री स्टाइल स्विंगिंग में ये हिस्सा लेगी। इनका मुकाबला होगा 28 जुलाई को। फिर आते हैं अहमद दुरानी साहब। नादिर अहमद दुरानी का तलब भी पाकिस्तान से है और ये भी स्विंगिंग में हिस्सा लेंगे। नादिर फ्री स्टाइल स्विंगिंग करेंगे 200 मीटर की और इंशाल्लाह जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इनकी स्विंग रेस होगी 28 जुलाई को। फिर आती है कश्मेला तल्लत। नादिर की जानब से एयर शूटिंग में हिस्सा लिया जाएगा, जिसमें ये एयर पिस्टल इस्तेमाल करेंगी और नादिर का मुकाबला होगा 27 जुलाई को। इंशाल्लाह ये भी मेडल जीत कर पाकिस्तान के लिए जरूर लाएंगी। और फिर आती है फाइका रियाद। नादिर फाइका रियाद की जानब से 100 मीटर रेस में हिस्सा लिया जाएगा। इनकी रेस होगी 2 अगस्त को। इंशाल्लाह ये भी मेडल जीतकर पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में लाएंगी। फिर आते हैं गुलाम मुस्तफा बशीर। नादिर हिस्सा लेंगे रैपिड फायर पिस्टल। इनका मुकाबला होगा 4 अगस्त को। उम्मीद करते हैं ये भी पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए। नादिर वैसे हैरान कन बात है कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है और 25 करोड़ से ज्यादा आबादी रखने वाले मुल्क में सिर्फ 7 लोग हैं जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। इस तादाद को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था, कम से कम 300-400 आदमी पाकिस्तान से जाना चाहिए था ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आज हम इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं तो यकीन मानिए अगली दफा ओलंपिक में हमारे मुल्क से काफी लोग ओलंपिक में नजर आएंगे। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।